बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी आयनो, रक्स किचन में सारे दोस्तों नूं खुश आमदीद। अज असीं तुहाडे वास्ते रबड़ी वाला दुध लैके आए हैं। गर्मियों का मौसम है तो इन्नी ज़्यादा गर्मी में ठंडा ठंडा ताकतवर रबड़ी वाला दुध सेहत वास्ते बड़ा जरूरी है। तो रबड़ी वाले दुध नूं बनाना भी बिल्कुल आसान है। तुसीं वीडियो नूं पूरी देखने की कोशिश करो, इंशाल्लाह तुसीं महसूस करोगे कि वाकई बहुत आसान है। तो आओ दुध बनाना शुरू करिए। तकरीबन 2 किलो दुध लैके उन्होंने कढ़ाई च पा के तो पकाना शुरू करो। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाई जाना ताकि दुध थले ना सड़ जाए। जदों दुध उबलना शुरू हो जाए तो असी दुध तकरीबन 100-150 ग्राम खोया पा लें। खोए में पा के अच्छी तरह मिक्स कर लो तो दरमियानी आग पर पकन दो। हुण असीं इहदे विच 2 चुटकी इलायची पाउडर शामिल करते हैं ते तकरीबन 400 ग्राम चीनी पा लैंदे हां। चीनी दी मकदार तुसीं वधा घटा सकदे हो। ते तकरीबन कोई 10-12 मिंट इहनूं पकण दिओ। हुण असीं इहदे विच 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर दे पानी च खोर के पावांगे। थोड़ी थोड़ी करके पाई जाओ ते नाल दे आले नूं हिलाई जाणा वरना कॉर्नफ्लोर दीआं गिल्टियां बन जाणगीआं। बस कॉर्नफ्लोर पा के 1-2 मिंट इहनूं पकाउणा है। हुण चुल्हा तुसीं बंद कर दिओ ते दुध नूं ठंडा होण वास्ते असीं किसी खुले बर्तन च पा लैंदे ते ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। दुध साडा रूम टैंपरेचर ते हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया। तो हुण असीं इहदे विच बर्फ पावांगे ताकि फुल ठंडा हो जाए। बर्फ नूं छोटे छोटे टुकड़े करके तो शामिल कर दो तो अच्छी तरह हिला दो। हुण असीं इहदे विच बिलंगू पावांगे। 1 चम्मच बिलंगू नूं असीं 2-3 घंटे पहले भेजता सी ते 1 चम्मच गूंद कतीरे का। 1 चम्मच गूंद कतीरा रात नूं भेज दिओ तो अच्छी तरह फुल जाएगा। तो फिर असीं इहनूं दुध शामिल करना है। 1 चम्मच इस बोल का छिलका पा दो, इन्हें भी 2-3 घंटे पहले भेज देना पानी च। अच्छी तरह इन चीज़ों मिक्स कर दो। तो साडा रबड़ी वाला दुध तैयार हो गया। तो इन ठंडे ठंडे इस तरह ही सर्व करो। मेरे चैनल में अगर तुसीं अज तक सबसक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर दियो। बहुत मेहरबानी, तुहाडी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।